वाक्या मद्रास में प्री पार्टीशन पहले की बात है, मंदिर में सदाकत मसीह मौत का जलसा था। मौली साहब, राज्य की साहब और आपके एक नायब आपके साथ थे, उनका नाम मेरे जहन से निकल गया। पहली तकरीर आपके नायब की थी, पंडित की सदारत थी। सदाकत मसीह मौत पर जलसा था, बारिश शुरू हो गई, किन मेन जिसे कहते हैं, लोग उठना शुरू हो गए। मौली साहब तकरीर कर रहे थे, नायब एक वैसे ही डिस्टर्ब हो रहे थे, एक पंडित भी बोलने लग गया। इसी स्नान में मौली साहब राज्य की सब आखिरी कुर्सी पर बैठे थे, वो भी खड़े हो गए और आसमान की तरफ मुंह करके कुछ बातें शुरू कर दी। खैर वो जलसा खुदा के फर्ज से बारिश थम गई, जलसा कामयाब हुआ। घर आए तो आपके नायब ने उनसे कहा कि हजरत, एक तो मैं परेशान था, खुदा का फजल हुआ जलसा कामयाब हो गया, पंडित भी बोल रहा था, आपने भी तकरीर शुरू कर दी। मौली साहब मुस्कुराए, कहने के तकरीर नहीं शुरू की थी, अंदाजा लगाएं मसीह सलाम की कुव्वत कुदसिया का। माँ के पेट से निकला हुआ शख्स बादलों से बातें कर रहा है, कहने लगे मैं बादलों से मुखातिब था। ये वाक्य आपकी सुनाने में लिखा, और मैंने उन्हें कहा कि ये एरारियों वाला काम तुमने कब से पकड़ लिया है, ये तो एरारी किया करते हैं कि सदाकत मसीह मौत पर जलसा और आकर खराब करके चले गए, तुम वो काम कर रहे। मैं तुम्हें 2 मिनट देता हूं, अगर तुम यहां से ना गए तो मैं खुदा के हुजूर तुम्हारी शिकायत करूंगा। कहने लगे उन्होंने मुझसे वादा किया बादलों ने कि आप शिकायत ना करें, हम 1 मिनट के अंदर यहां चले गए। ये है अहमदियत का खुदा, ये है वो खुदा जिसको दुनिया में पहली मरतबा इस शान के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाया था कि आओ इस खुदा की तरफ आ जाओ। और आज आपका रूहानी फिरदौस, आपका उम्मती नबी, आपका शागिर्द नबी, आपका गुलाम नबी और उस गुलाम नबी के खुलाफा उस तरफ उस खुदा को दिखा रहे हैं। लेकिन हम उसे पहले देखेंगे तो फिर दुनिया को दिखाएंगे। हजरत मसीह सलाम का दावा क्या है? ये वफात मसीह, हयात मसीह, सदाकत मसीह, मौत और खत्म नबूवत, ये दावे तो हम खुदा के फजल से जमात जीत चुकी है, हर मैदान में फतेह याब है। दलाइल के मैदान के मैदान जमात के साथ हैं, मौलवी के पास कुछ भी नहीं रहा। लेकिन आप असल दावे पर गौर करें, वो दावा हजरत मसीह सलाम ने खुद बयान फरमाया है दुरे समीन में। आप फरमाते हैं कि ऐ सोने वालो, जागो के वक्त बहार है, अब देखो आके दर पे हमारे वो यार है। उस यार को मैंने और आपने देखना है और फिर दूसरों को दिखाना है। शेख मोहम्मद दीन साहब बड़े बुजुर्ग आदमी थे, पार्टीशन से पहले मखदूम रशीदिया स्टेशन है मुल्तान के साथ कोई छोटा सा, वहां पर ये पटवारी थे। खलीफतुल मसीह सानी ने हुक्म भेजा कि नौकरी छोड़कर फौरन आ जाओ, आपको मुख्तार आम मुकर्र करना है अंजमन की जायदाद पर। नौकरी फौरन छोड़ दी, बीवी बच्चों को भिजवा दिया, जानवर बेच दिए और कुछ टूटा फूटा सामान लेकर जो भी था स्टेशन पहुंच गए कि मियाँ बुक करो। स्टेशन मास्टर ने कहा कि अफसोस बुक नहीं कर सकते, बुक तो कई महीनों से बंद है बुकिंग जंग की वजह से। अब बाहर आकर बैठ गए, खुदा के हजूर अर्ज की कि ये बेनवा मुसाफिर कहाँ जाए, क्या करे, वीरान जगह, ना कोई वाकफ, ना कोई दोस्त, ना कोई रिश्तेदार, उजाड़ में बैठा हूं, बीवी बच्चे जा चुके हैं, तेरे खलीफे के हुक्म पर सब कुछ कर रहा हूं, मेरी मदद कर। यकीनन उस वक्त आसमान से खुदा ने कहा होगा, अच्छा मैं आया, क्योंकि यही शान है अहमदियत के खुदा की। हर अहमदी के साथ जो इखलास और मोहब्बत के साथ, आमाले साले के साथ, खिलाफत की सच्ची इताअत के साथ इस तरफ आता है, खुदा उसकी हर कदम पर मदद करता है। एक लड़का आता है, वो कहता है जी सामान आपने बुक कराना है, उनके जी आपको बुकिंग करके बुलाते हैं। कहने लगे मियाँ बड़े खुशकिस्मत हो, 3 महीनों से ये बंद थी, कई मुद्दत से ये बंद थी बुकिंग, अभी टेलीग्राम आ गई है, वो टिक टिक हुआ करती थी रेलवे स्टेशनों पर, आजकल नहीं है। कहते हैं अभी आ गई है कि बुकिंग फौरन खोल दो, लाओ सामान। वो सब सामान दिया, बुकिंग करवाई, वो रसीद जेब में डाली, गाड़ी के इंतजार में बैठ गए। 15 मिनट 20 मिनट गुजर गए तो एक वो लड़का फिर आया, कहने लगा जी आपको बुकिंग क्लर्क फिर बुलाते, क्या हुआ?
चले गए। कहने के मियाँ क्या चीज है आप? उन्होंने कहा क्या हुआ? कहने का टेलीग्राम फिर आ गई है कि गलती से ऑर्डर दिए गया बुकिंग खोलने का, फौरन बंद कर दो। लेकिन ये तो बुकिंग करवा चुके थे। इस तरह सलूक करता है खुदा ताला हर उसके साथ जो वफादारियों के साथ, इखलास के साथ इस दरवाजे में दाखिल होना चाहे। किसी एमडी के लिए कोई रोक नहीं, बशर्ते कि उसके अंदर अमाले साले हों, खिलाफत की सच्ची इताअत हो, इज्जत हो। हजरत मौलवी गुलाम सुल्तान राजे की किसी दौरे पर गए हुए थे, वापस आए ट्रेन पर कादियान, आपके साथ दो तीन और भी एमडी बैठे हुए थे, वो सीधे असब की खिदमत में आ गए जो दो तीन एमडी थे। तो वहाँ वैसे ही तस्करा हुआ तो हजूर ने फरमाया, खलीफतुल मसीह सानी ने, कि आज राजे की मुझे बड़ी ज़रूरत है, वो मगर वो अभी आया नहीं। उनका हजूर हो, वो अभी आए हैं, हमारे साथ ही आए हैं, घर गए हैं। आपने फ़ौरन प्राइवेट सेक्टर को बुलाया कि ये रुका लिखो और उनको भिजवा दो कि फलां जगह फ़ौरन पहुँचे। अब उनके पास एक बैग हुआ करता, थैला बड़ा सा, उसी में किताबें, उसी में कपड़े, उसी में खाना। वो आए अंदर, बीवी बड़ी खुश हुई, बीवी बीमार थी, उनकी भैंस भी बीमार थी, तो उसको बीवी को कहा कि ये थैला अंदर रखो। वो बीवी अंदर थैला रखने गई और बाहर दरवाज़ा खटका, वो बाहर गए। जब बाहर से अंदर तशरीफ लाए, वो रुका लेकर आए हजूर का इरशाद था कि वहाँ चले जाओ। बीवी से पूछा वो थैला कहाँ है? वो कहेंगे वो तो मैं अंदर रख गई। कहेंगे वापस ले आओ। क्या हुआ? कि हजूर का फिर इरशाद आ गया। उसने कहा मौलवी साहब मैं भी बीमार हूँ, भैंस भी बीमार है, मैं क्या करूँ? अपने फरमाया बिल्कुल ठीक कहती हूँ, मैं तुझे खुदा के सपोर्ट करता हूँ, मैंने तो बैत की हुई। थैला पकड़ा और चले गए वहाँ पर। वहाँ जब गए, जिस जगह भी गए, वहाँ जाकर जब पहली रात आई तो आखिर इंसान भी थे, ख्याल पैदा हुआ अगर भैंस मर गई तो गरीब आदमी क्या बनेगा। दुआ की, सो गए। रात को ख्वाब में देखते हैं, ये आपके समाने में वाक्या लिखा है, कि कोई शख्स से आवाज़ देता है कि राजे की तेरी भैंस बीमार है। उनका जी हाँ, अच्छा ठीक हो जाएगी, मगर एक काम कर तू कि सुबह एक हफ्ता रोज फजर की नमाज के बाद 7 मरतबा सूरह तगाबन पढ़कर उसको फूका कर। कहने लगा सुबह मेरी आँख खुली, मैंने कहा ये अमल तो जाकर ही हो सकता है। वापस आया, बीवी भी ठीक, भैंस भी बड़ी हट्टी कट्टी। मैंने पूछा क्या हुआ? कहने लगी मुझे तो कुछ नहीं पता क्या हुआ। बीवी कहने लगी जिस दिन आप गए हैं उससे अगले दिन ये मस्जिद के मौलवी साहब आया करते थे, एक हफ्ता आते रहेंगे और मस्जिद के पास भैंस के पास खड़े होकर कुछ पड़ा करते थे और फूंक कर चले जाया करते थे। मैंने कहा बुलाओ उनको। उनको बुलाया, क्या बात है? उन्होंने कहा जनाब मुझे कुछ नहीं पता, मुझे ये गर्दार आवाज़ आई थी कि राजे की हमारे काम गया है, उसकी भैंस बीमार है, उसके पास एक हफ्ता सुबह खड़े होकर सूरह तगाबन पढ़कर फूंका करो। हुजूर मैं तो वो करता रहा। लेकिन एक नज़र हम इस बात पर भी डाल लें कि ये कौन लोग थे, क्या करते थे, किस तरह खुदा से अपने पैमंट को मजबूत किया उन्होंने। पहली बात, नमाज बाजमात की पाबंदी। इसके बगैर खुदा कभी नहीं मिल सकता और किसी को नहीं मिल सकता, याद रखें। बशीर अव्वल मर्दुल मौत में थे, उम्मुल मोमिनीन की गोद में थे, हजरत मसीह अलैहिस्सलाम कमरे में टहल रहे थे। अम्मा जान ने अर्ज की हजूर बच्चे को पकड़ ले, मैं नमाज पढ़ लूं, असर की नमाज जा रही है। हजूर ने बच्चे को पकड़ लिया, नमाज अदा की, जब सलाम फेरा तो माँ थी ना, पहला सवाल किया बच्चे का क्या हाल है? हजूर ने फरमाया वो तो फौत हो गया। इस तरह माँ ने अपनी नमाज की हिफाजत की। सैयद सरवर शाह साहब अपनी मर्दुल मौत में गिरफ्तार बेटी के पास बैठे थे, पता है ये चंद मिनट की मेहमान है, इतने में मगरब की अजान होती है। कहने लगे बेटी तू मुझे बहुत प्यारी है और मुझे पता है तेरा आखिरी वक्त है, मैं तेरे पास बैठता लेकिन क्या करूँ, बादशाह ने अपने दरबार का ऐलान कर दिया है, ऐलान हो गई, मैं तुझे उसी के सुपुर्द करता हूँ। और नमाज पढ़ने चले गए। नमाज पढ़कर जब मस्जिद से निकले तो घर जाने के बजाय सीधे कपड़े वाले की दुकान पर गए और कहा मेरी बेटी का कफन दे दो। उन्होंने कहा शाह साहब आप तो मस्जिद से आ रहे हैं। कहे हाँ, इस हाल में छोड़कर आया था, अब फौत हो गई। वो वाकई फौत हो गई। बाद लोग कहते रहे जी तीन नमाजें तो हम पढ़ लेते हैं या चार पढ़ लेते हैं। मेरा सवाल उनसे सिर्फ इतना है, ये किसकी शरीयत है? जिस शरीयत की तजदीद के लिए हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हैं वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत है और वो 5 नमाजों की शरीयत है। कोई खुदा तक नहीं पहुंच सकता जो अपनी नमाजों में कमी करता है। उसका दावा फजूल,
वो अपने दावे में सादक नहीं अगर वो पांचों नमाजें अदा नहीं करता।